हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, दीपावली का दिन है, आज है दीपावली, तो आप सभी को मेरी तरफ़ से हैप्पी दीपावली, आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, मैं ना यहाँ खाना बना रही हूँ, हमारे यहाँ मावस पूछती है सुबह में, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले दाल बना ली है मैंने, चावल बना लिए हैं और गोभी आलू की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पर छोंक रही हूँ दाल। और फ्रेंड्स, पटाखे वटाखे बहुत ज़्यादा छूट रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करना। आज सुबह से वेट कर रही हूँ वही ज़बर का, कब करूँ, लेकिन हा हुल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए कोई नहीं, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखिए, मैंने दाल छोंक दी है और खाना मेरा सारा लगभग बन ही गया है, फिर हम पूजा करेंगे। ये देखिए, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है मैंने और दाल बनाई है। ये देखिए, मिक्स वाली दाल, मिक्स क्या, उड़द और चने की दाल है, जो कि उड़द की दाल हमारे घर में ज़्यादा खाई जाती है। और ये है चावल और ये खीर बनाई है। हमारे यहाँ ना मावस के दिन यही बनता है, खासकर दीपावली के दिन तो यही बनता है, सुबह को दाल चावल खीर और आलू गोभी की तो अपनी मर्जी है, लेकिन मेन चीज़ होती है दाल चावल और खीर। तो देखिए, खाना बना लिया है सारा, तो हम यहाँ पर मावस पूज लेंगे, अग्यारी कर लेते हैं धूप ठाने के लिए, बस उस पर रोटी चढ़ा देते हैं। और गांव में तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन हम गांव नहीं जा पाते हैं अब जब से हमारा काम हुआ है यहाँ पे। तो देखिए, हम आखत डाल देंगे और फिर जाके मैं इनको खाना वाना दे दूँगी, सबको जाना है काम पे अपने अपने। तो देखिए, मैंने खाना लगा दिया है, आलू गोभी की सब्ज़ी, दाल खीर पूरी और चावल। रायता नहीं बनाया है क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, जुकाम खांसी हो रहा है सबको। खाना खा लिया है सबने, सब अपने अपने काम पे चले गए हैं और मैं लेट गई हूँ, क्योंकि मेरा ना बिल्कुल भी अब काम करने का मन नहीं कर रहा। एक तो मैं जल्दी उठी थी सुबह ही, जल्दी जल्दी काम किया, खाना बनाया, आज तो बिल्कुल भी मेकअप करने की फुर्सत नहीं मिली थी बाहर के दिन, तो बस जल्दी हो रही थी तो मैंने कुछ नहीं किया, बस नहा के जल्दी खाना बनाने में लग गई थी। और अभी ना अभी ना मेरा काम नहीं हुआ है, मतलब बर्तन वर्तन पड़े हैं, बर्तन मैंने खाली नहीं किए हैं और आल का सारा है। आँखों में तो पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल भी खुली नहीं रही है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा और बुखार सा हो रहा है। अभी इतनी तेज़ सर्दी लग रही थी तो कम्बल ओढ़ के मैं लेटी हूँ और अभी काम करूँगी। और आज है बड़ी दीपावली है, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो अभी तो जो कुछ होगा अब शाम को होगा, सुबह को हमारे यहाँ हो गया है जो होना होता है ना, मावस पूजते हैं, तो मावस मैंने पूज ली है और बस अब शाम को होगा लक्ष्मी पूजन होगा और दिए विए का जो काम होगा। तो अभी बस मैं अब शाम को ही तैयार होऊंगी और बस अभी यही रहेगा थोड़ा संगवाना। एक बार तो सुबह ही हो गया था झाड़ू पोछा, लेकिन अब सब बच्चे नहा वहा आए थे, सब लोग कपड़े वपड़े सब ऐसे ही फैल रहे हैं, अभी कपड़े समेटूंगी। और तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है, आँखों में पता नहीं क्या हो रहा है, आँखों में इतनी जलन है ना कि मन कर रहा है आँखें बंद करके बस लेटी रहूं। त्योहार के दिन भी आज ऐसा हो रहा है, तो मैं अभी लेटूंगी और फिर करूंगी काम। खाना तो मेरा बन ही गया है, अब तो काम कुछ है नहीं, अब तो जो है काम शाम को ही है। तो चलिए, मैं ना अब आपसे सीधा शाम में। तो देखिए गाइस, शाम का टाइम हो गया है, मैं यहाँ पे दरबार लगा रही हूँ शाम की पूजा करने के लिए। तो देखिए, मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की है बस, जो सामान था, बाकी तो लगाते हैं तो कुछ लगाना बनता नहीं है, कील ठोको कैसे करो, तो बस मैंने ना थोड़ी सी सजावट की है और जो मैं सामान लाई थी वो रख दिया है मैंने मंदिर में। तो मैं यहाँ ना बत्ती बना दी है दिए की और दिए भिगा दिए थे मैंने, तो उनको भी मैं रख दूँगी थोड़ी देर, इनका पानी सूख जाएगा, फिर जाके मैं अपना तैयार होने लगूँगी। बाकी मेरा सब काम हो गया है, तो देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। बस मैं ना यहाँ चूड़ी देख रही हूँ अपने लिए पहनने के लिए, सोच रही थी कौन सी चूड़ी पहनूँ, फिर चूड़ी नहीं मिली तो मैंने अपना चूड़ा ही निकाल लिया है, जो कि मेरा फेवरेट चूड़ा है, किसी भी सूट पे मैं पहन लेती हूँ, अच्छा बहुत लगता है। कुछ भी ना हो ना, तो कुछ भी हम पहन रहे हैं सूट, तो उसी पे पहन लो, उसी पे ही अच्छा लगता है। तो देखिए, बस मैं वही डाल लूँगी, फिर जाके मैं अपना कंघी वंघी करूँगी। तो देखिए, मैं तैयार हो गई हूँ, बस ये चूड़ी डाल ली है और मैंने ना यही वाला सूट डाला है, क्योंकि ये आगे रखा था, मैंने कहा चलो इसी को ही डाल लेते हैं। और इस सूट में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो इसकी चुन्नी है वो इतनी बड़ी है बहुत ही ज़्यादा, और फिसलती भी बहुत ज़्यादा है। टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं, परी को भी मैंने रेडी कर दिया है, मैं भी, और गोलू अपने पापा के साथ ही है, मैं पता नहीं कब आएंगे।
बोल तो रहे थे 8 बजे तक आ जाएंगे, देखते हैं कब तक आते हैं। पूजा वूजा करेंगे फिर, और मंदिर भी मैंने सजा दिया है, फूल वूल ये लाएंगे रात में, तो फिर दिखाऊंगी आपको। चलो मैं ना आपको बाहर से दिखाती हूँ, बाहर बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखो मेरा मंदिर। चलो मैं ना बाहर से दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए गाइज, कुछ इस तरह से हमने सजावट की है। ये ना हमारे जीना है जो ऊपर जाने के लिए है ना, तो उस पर हमने ऐसे ऐसे गमले रखे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये तो हमारे घर में सबसे खूबसूरत हिस्सा है, ये जीने पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोनों तरफ गमले रख दिए थे, लाइटें लगा दी थी, और छत पे कुछ ऐसे लाइटें लगाई थी। और ये हमारा आंगन है, बरामदा जो भी आप बोलो, आंगन बोलो, तो इसमें हमने कुछ ऐसे डेकोरेशन की है, ऊपर माला लगा दी है। और इधर से देखिए कितना अच्छा लग रहा है जीना, और लाइटें ही लाइटें, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस बार तो पहली बार ऐसी दीपावली मनाई है, बहुत अच्छे से सजावट की थी हमारे यहाँ बाहर भी, मकान मालिक जो है उन्होंने बहुत अच्छे से सजाया था। और इधर भी देखिए ये लाइटें रखी है, गमले जो होते हैं ना लाइटें वाले, ये हैं। और इधर नीचे कालीन डाल दी है, और ऊपर ना गेंदे की और उसकी आम के पत्तों की माला लगाई है, बहुत ही अच्छा लग रहा था मतलब। और हमारा घर तो हो ही गया है इतना अच्छा, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा और अब भी देखते हो तो कितना अच्छा हो गया है। पहले कितना गंदा सा लगता था वीडियो में, और अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना हमारा घर। मैंने ना सारी तैयारी कर ली है पूजा करने की, पर ये नहीं आई अभी तक का। मैंने पूरे दिए भी ये लगा लिए है, ये देखो बत्ती बत्ती लगा के एकदम तैयार कर लिए है, बस इनके आने की देर है। बताओ त्योहार के दिन भी टाइम पे नहीं आते, बता मैं अकेली पूजा करके बैठ जाऊं। मैंने भी की नहीं है, मैंने कहा आ जाएंगे तभी करेंगे, त्योहार का दिन इतना बड़ा त्योहार है तो यहाँ आ जाएंगे तभी हम करेंगे। तो देखिए गाइज ये भी आ गए थे, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हमें पूजा करने में। तो देखिए मैंने तैयारी तो सारी लगा ली थी अपनी, पहले ही दिए भी ये सब लगा लिए हैं, बस यहाँ पे हम आरती। दूंगी अपना, और बच्चों को इतना हो रहा था कि मम्मी जल्दी पूजा कर लो हम पटाखे जलाएंगे, तो बस वही दिए लगा देंगे फिर जाके पटाखे वटाखे जलाएंगे। और फ्रेंड्स वीडियो एडिट करने में इतनी ज़्यादा मेहनत लग रही है ना, तो प्लीज़ आप वीडियो फुल देखना, वो इतना डीजे चल रहा है ना सारे, वही जबर मुझे करना पड़ रहा है, कहीं भी रियल आवाज़ नहीं डाल सकती हूँ मैं। पूरा डीजे चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा गाने चल रहे थे, तो मुझे वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। सोच रही हूँ कहाँ पे क्या करूँ, क्योंकि सारी वीडियो में मेरी गाने ही गाने हैं। तो देखिए बस मैंने यहाँ पर दिए लगा दिए हैं, अब मैं अपनी छत पर लगा दूँगी थोड़े से दिए, वैसे तो बुझ जाते हैं लेकिन लगाने तो पड़ते हैं, साथ के साथ ही बुझ जा रहे थे, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो देखिए छत पे लगा दी है, और छत पे इतनी ज़्यादा रौनक हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा रौनक हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। हमारे यहाँ तो आज भी बहुत ज़्यादा, देखो पटाखे छूट रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, खूब ज़्यादा पटाखे छूट रहे हैं। तो देखिए मैं ना अनार छुड़ा रही थी, और इतना फट एकदम से ना फट गया ये अनार, आज के पटाखे ऐसे थे सारे कि कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। एक बार तो मैं जलते जलते बची हूँ, मतलब थोड़ा सा जली गई हूँ, आप लोग आगे देखना, ये मैं रॉकेट जला रही थी। वैसे तो मुझे इतना डर लगता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अब की बार तो और भी ज़्यादा डर गई थी मैं। एक अनार मैंने छुड़ाया था, उससे ना इतना भारी अनार था वो, और आप लोग देखना आगे। तो यहाँ पे मैं फुल जली जला रही हूँ, बच्चे भी जला रहे हैं, और इधर डांस भी चल रहा है, डीजे चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए सब लोग छत पे थे, बहुत ही ज़्यादा रौनक हो रही थी हमारी छत पे। ये देखिए पूरी चारों तरफ एकदम जगमग जगमग हो रहा है, और डीजे लगा रखा है इधर, जिसको डांस करना है वो डांस कर रहे हैं, हमें तो आता नहीं है डांस करना, तो मैंने तो किया नहीं था। तो देखिए सब लोग डांस कर रहे हैं, और कोई पटाखे जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप लोग बने रहना वीडियो में लास्ट तक का। तो ये ना
कर रही थी, ये ना मेरे लिए बहुत बड़ा सा अनार लेके आए थे कि इसको छुड़ाना। तो देखिए मैं यहाँ पे छुड़ा रही हूँ और ये इतना मतलब इतना अच्छा जला था ना, बहुत ही तेज जला था। मैं ना उधर चली गई एकदम कोने में, आप लोग देखना ऐसे जैसे मैंने जलाया ना, सब लोग इधर चले गए, मैं उधर चली गई और मैं ना उधर फंस गई बिल्कुल कि मैं अब कैसे निकलूँ। और इसकी चिंगारी इतनी गिर रही थी ना ऊपर बहुत ही ज़्यादा, तो देखना आप लोग ऐसे में। फिर जब ये बंद हुआ, जब मैं भागी, मेरे ना कपड़ों में गिर गया था, गर्दन पे, यहाँ पे गर्दन में बहुत तेज़ मेरे जल गया है, एकदम छाले छाले से पड़ गए हैं। और जो मेरा सूट है ना नया, वो भी मेरा सूट जल गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जे मैं जली हूँ, नहीं तो कभी नहीं ऐसा हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है पटाखों वटाखों से ना। तो ये देखिए यहाँ पर कितना सब लोग छुड़ा रहे हैं। और ये देखिए ये 16 सोट है शायद, ये गोलू लेके आया था, अपने पापा से बोला था। ये तो इतना अच्छा था ना भाई, बहुत ही अच्छा था। देखो 12:44 हो रहे हैं और मैं बना रही हूँ पूरी। अभी खाना नहीं खाया था हमने, ये देखो आटा रखा था और पूरी बना रही हूँ। तो चलिए गाइस अभी इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको फिर से एक बार हैप्पी दीपावली। हमारी दीपावली तो बहुत अच्छी गई है इस बार, कमेंट करके बताना आपकी कैसी गई है। चलिए कल मिलती हूँ आपसे, बच्चों को खाना दे देती हूँ, अभी पटाखे फोड़ के अभी आए हैं छत से। चलिए बाय बाय।